नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश की 18 प्लस की 76.8% आबादी को एक डोज लगी, 33.5% पूरी तरह वैक्सीनेटेड। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों पर दर्ज होगा देशद्रोह का केस, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। बिना पंजीयन खाद्य पदार्थ बेचने पर होगी कार्रवाई, अन्न व औषधि विभाग करी रहेगी नजर। मनपा चुनाव अब होगी 176 पार्षद, कैबिनेट ने सदस्य संख्या बढ़ाने पर लगाई मुहर, 58 प्रभागों का बनेगा प्रारूप। स्कूलों में दिवाली की छुट्टियां आज से, शिक्षा विभाग ने अचानक बदला शेड्यूल। अतिक्रमण प्रवर्तन विभाग का कड़ा रुख, 36 अतिक्रमणों का सफाया, एक ट्रक सामान भी जब्त, गांधीबाग में कार्रवाई से मची खलबली। दो युवतियों से छेड़खानी, यशोधरा और हुड़केश्वर पुलिस थाने का मामला। क्राइम ब्रांच के हाथ लगी वाहन चोरों की गैंग, 27 दोपहिया वाहन किए जब्त। एसटी कर्मचारी अनिश्चितकालीन अनशन पर, महंगाई भत्ते के सहित की विधान। दो युवतियों से छेड़खानी, यशोधरा और हुड़केश्वर पुलिस थाने का मामला। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।